हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। स्टडी उत्सव चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपने टर्म टू एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हम सभी लोग टर्म वन के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। सो टर्म वन का रिजल्ट आने वाला था मिड जनवरी 2022 को। ठीक है, 2022 को जनवरी मंथ में ही मिड में ही आने वाला था रिजल्ट, पर अभी तक रिजल्ट नहीं आया। इसके लिए सभी लोग परेशान थे। सो स्टूडेंट्स, बिल्कुल परेशान होने का कोई बात नहीं है। सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने एक स्टेटमेंट दिया है, उनका एक इंटरव्यू छपा है द हिंदू पेपर में, कि सीबीएसई के जो टर्म वन के रिजल्ट है अभी भी वह प्रोसेस में है, उनका उनपे काम चल रहा है। वह ओएमआर शीट के रूप में लिया था, उसमें सिर्फ गोला बनाना था। उस ओएमआर शीट का चेकिंग अभी भी हो रही है, उसका ओएमआर शीट का चेकिंग मशीन से भी हो रही है, जरूरत पड़ने से उसका मैन्युअली भी जांच किया जा रहा है। पूरा ऑथेंटिक रूप से, जेन्युइन रूप से किसी बच्चे को पूरा मार्क्स मिले इसके ऊपर काम चल रहा है। किसी बच्चे को मार्क्स कम ना मिल जाए, किसी बच्चे के साथ में कोई कमी ना हो जाए, इसके ऊपर सीबीएसई ने पूरा ध्यान रख के पूरा समय ले रही है कि बच्चों का रिजल्ट हो, जो बच्चों का रिजल्ट हो अच्छा से अच्छा हो, उस पे काम चल रहा है। यही कारण है कि सीबीएसई का रिजल्ट में देरी हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप टर्म वन का रिजल्ट का वेट ना करें, आप अपने टर्म टू के प्रिपरेशन में ध्यान दें। टर्म वन का रिजल्ट पे ज्यादा फोकस ना करें, अभी अपने स्टडी में फोकस करें, अपने प्रिपरेशन में फोकस करें, अपने चैप्टर को रिवीजन करने में फोकस करें, आपके जो भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए हैं उस सिलेबस को कंप्लीट करने में फोकस करें, आपके जो भी सिलेबस बच गए हैं उनको कैसे तैयारी करना है, कहां से तैयारी करना है, इसके ऊपर फोकस करें। सारे क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज है उसको रिवीजन करें, इस पे ध्यान दें आप। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि टर्म टू का पढ़ाई करने के लिए आपको सबसे पहले एक टाइम टेबल बना के रखना होगा, टाइम टेबल बनाना होगा। और स्टूडेंट्स, आप टाइम टेबल बनाकर ही पढ़ें। आप देखिए, अभी तो बहुत सारे जगह स्कूल खुल गए हैं और बहुत सारे जगह खुलना बाकी है। अगर आप स्कूल जा रहे हैं या कोई स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो अपने अनुसार एक टाइम टेबल आप बनाइए। टाइम टेबल बनाने के बाद, स्कूल में पढ़ाई करने के बाद सेल्फ स्टडी करें। आप कम से कम सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, और कम से कम 6 आवर्स डेली आप सेल्फ स्टडी करें। ठीक है, 6 आवर्स डेली आप सेल्फ स्टडी करें। आप मैथ्स डेली करें, डेली आपको मैथ्स बनाना ही है, डेली आपको मैथ्स का प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं प्रैक्टिस मैथ्स अ मैन परफेक्ट। अगर मैथ्स में आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको 100% मैथ्स को प्रैक्टिस करना ही होगा। सो डेली मैथ्स को प्रैक्टिस करें, 2 आवर्स डेली आपको मैथ्स प्रैक्टिस करने हैं। डेली आपको साइंस भी आपको स्टडी करने हैं, और बाकी समय बचेगा तो उसमें आपको और भी सब्जेक्ट को लेकर चलना है। सारे सब्जेक्ट को फोकस करना है, जो वीक सब्जेक्ट है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, पर मैथ्स एंड साइंस डेली आपको करना ही है। देखिए, आप लोग का जो सीबीएसई टर्म 2022 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके मैथ के जो सिलेबस हैं, उस मैथ के सिलेबस के अनुसार जो जो चैप्टर एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, उस हर चैप्टर को मैं चैप्टर वाइज एक एक करके जो जो चैप्टर में इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, वो सारे एक साथ फॉर्मूला चैप्टर वाइज मैं इस स्टडी उत्सव चैनल पर कराने वाला हूं। और किस फॉर्मूला को कब यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, कौन कौन से फॉर्मूले इंपोर्टेंट हैं, मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे इंपोर्टेंट फॉर्मूला के साथ मैं चैप्टर वाइज कराने वाला हूं। सो स्टूडेंट्स, अगर इस चैनल पर आप नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपको टर्म वन एग्जामिनेशन के में क्या करना था, आपको सिर्फ गोला बनाना था, बट एक टर्म टू एग्जामिनेशन में आपको गोला नहीं बनाना है। आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 मार्क्स के आने वाले हैं, 3 मार्क्स के आने वाले हैं, 4 मार्क्स के आने वाले हैं। सो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई ने जब सैंपल पेपर लॉन्च किया था तो उसमें क्लियर सीबीएसई ने बता दिया था कि आपको स्टेप मार्क्स मिलेंगे, आपको पूरी तरह स्टेप बाय स्टेप लिखने होंगे। अगर
कोई क्वेश्चन है उसको सोल्व करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसके मार्क्स मिलेंगे। आप उसके क्या फॉर्मूला लिख रहे हैं उसके मार्क्स मिलेंगे। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के बाद सोल्व करेंगे तो उसके मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट में जो आंसर आया वह उस आंसर को प्रॉपर ढंग से, क्वेश्चन में क्या आंसर मांगा है उस आंसर को प्रॉपर ढंग से लिखने पे भी मार्क्स मिलने वाले हैं। सो हर स्टेप में मार्क्स मिलने वाले हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि टर्म टू एग्जामिनेशन में किस तरह से फुल मार्क्स लाने हैं आपको, कितने स्टेप्स कैसे लिखने हैं, किस स्टेप में कितना मार्क्स मिलने वाला है, कैसे स्टेप लिखना है, कैसे प्रॉपर ढंग से आंसर लिखना है। और जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं बच्चों का, तो बच्चों का देखते हैं कि बच्चा कहां मिस्टेक कर रहा है, वह उस मिस्टेक्स को मैं पॉइंट आउट करने वाला हूं और सारे बच्चों को यह क्लियर कर देने वाला हूं कि कहां बच्चे मिस्टेक करते हैं, वहां मिस्टेक नहीं करना है, कैसे सही ढंग से गिवन लिखना है, किसे कैसे सही ढंग से आपको प्रॉपर आंसर लिखना है, कैसे फॉर्मूला पुट करके सही तरह से सोल्व करना है। मैं उसे जल्द आप स्टेप बाय स्टेप मैं इसे फुल मार्क्स कैसे लाने हैं आपको, मैं इसके ऊपर एक क्लास लाने वाला हूं। सो स्टूडेंट्स अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स मैं अंत में आपसे यही अपील करने वाला हूं कि आप टर्म वन का रिजल्ट का वेट ना करें और टर्म टू पे पूरा 100% फोकस दें। और टर्म टू का जो भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उस सिलेबस को कंप्लीट करने में ध्यान दें। आपके जो भी चैप्टर बाकी हैं उसको कंप्लीट करें, रिवीजन करें अच्छे ढंग से, प्रॉपर ढंग से हर चैप्टर को रिवीजन करें। और एग्जामिनेशन बहुत ही सामने है, आवर एग्जामिनेशन इज क्लोज एट हैंड, सो देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। अब टाइम वेस्ट करने का नहीं है, पूरा 100% अपने स्टडी पे फोकस करें। सो स्टूडेंट्स सीबीएसई टर्म 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैथ एंड साइंस का करा रहा हूं। सो अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।